अच्छा भाई, अभी तक जो भी हम जी टेबल पढ़ रहे थे उसमें मीन वैल्यू 0 थी और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 थी। अब हम मीन वैल्यू कुछ और लेकर आए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ और लेकर आए, तो अब वो जी टेबल नहीं रहेगा बल्कि वो एक्स बन जाएगा। तो लेट से एक्स फॉलो कर रहा है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, मीन वैल्यू उसकी म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी सिग्मा है। सो इन दैट वे जेड बराबर होगा एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा के। ये जेड की फिक्स वैल्यू है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। क्वेश्चन में हमें कहा गया मेटल स्ट्रिप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, द लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 150 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 सेंटीमीटर। तो मीन वैल्यू हो गया ही म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई 10। एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 150 और 10 आ गया। 10 पे स्क्वायर भी लगाया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ होता है वेरिएंस। वो प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं एक्स लेसर देन 165 की। तो पहले हम एक्स को कन्वर्ट करते हैं जी में। एक्स को जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये फॉर्मूला है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जब मैंने इसको कन्वर्ट किया जेड में तो अब मेरे पास वैल्यू आ गई 1.5। तो 1.5 को मैं टेबल से देखूंगा और टेबल से देखना हमारे बच्चों को आता है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं 127.5 से लेकर 139.2 तक करना है। तो पहले हम ऐसे लिख लेंगे कि भाई बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ये हमने पहले ही सीख लिया था कि जब डिफरेंट रेंज दी हुई हो एक्स की या जेड की तो हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। लेकिन ये तो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू को हमें जेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू को जेड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। दोनों जब ये जेड में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनकी वैल्यूज हमें निकालना आती हैं, माइनस में आ रही हैं। जब माइनस में आ रही हैं तो हम उसको पलट के लिख देते हैं और फिर हम उसको टेबल से बड़े आराम से निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन दूर, तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन दूर अगर हम डाटा निकालें तो वो हमेशा 68% होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर निकाल के दिखा रहे हैं। वन स्टैंडर्ड डेविएशन दूर का मतलब है कि मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन आगे, मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे। आप चाहें तो इसको याद करना चाहें याद कर लें, ये हमेशा 68% ऑफ द डाटा होता है। तो बीच का हिस्सा 68% होता है, वन स्टैंडर्ड डेविएशन का। अब अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास बाकी का जो हिस्सा है वो आ जाएगा। ये सब मैं वो बता रहा हूं कि दो स्टैंडर्ड डेविएशन और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना हिस्सा होता है, तो वो मिडिल वैल्यू के अलावा बात कर रहे हैं। तो 68% वन स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में होता है, तो उसके अलावा कितना बचेगा, 32%।